गुड आफ्टरनून पीपल नेम इज विशाल कर सकता है कल के लिए क्या प्राइस एक्शन एक्सपेक्ट किया जा सकता है और कल मार्केट में सपोर्ट और फ्लैटिश ओपनिंग दोनों में होते हुए देखी है रिलायंस वॉज डाउन बट आई सी आई सी वॉज आप थोड़ा सा यहाँ पर कंपेन्सेट हो तो गया इंडेक्स में और निफ्टी फिफ्टी तो डेफ़िनेटली फ्लैट था कुछ थ्री पॉइंट्स गेन के साथ ओपन हुआ बैंक निफ्टी भी तकरीबन जहाँ पर उसका क्लोजिंग था उसी पॉइंट्स के आसपास में वहाँ पर ओपन हुआ ओपन होते ही थोड़ा सा हमने वोलेटिलिटी आज वापस से मार्केट में देखी है वापिस से थोड़ा शार्प सेलिंग मार्केट में आता हुआ दिखा है आ, देख लेते हैं अभी कल के लिए क्या हम आ, जो लेवल्स है वो एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं सो so, यहाँ पर अभी हम Uh, कुछ पुराने जो लेवल से उसको थोड़ा सा निकाल लेते हैं जैसे कि हमने साइकोलॉजिकल लेवल लगा के रखा था यहाँ पर ब्रेक डाउन लेवल था यहाँ पर हमने थोड़ा सा डाउन साइड पर एक डबल बॉटम एक्सपेक्ट किया था वी We एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से एट हंड्रेड एंड एटीन से या फिर हाँ एट हंड्रेड एंड एटीन के आसपास से यहाँ पर थोड़ा हमें अप साइड देखने के लिए मिल सकता है बट मार्केट अपरेंटली आज एग्जैक्टली uh, exactly जो हमारा क्लोजिंग लेवल था फ्राइडे uh, का उसी के लेवल के आसपास पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले रहा था तो अभी लेवल्स थोड़े से हल्के से चेंज हो जाएंगे हम एक बार देख लेते हैं सपोर्ट uh, लेवल का अगर बात करना होगा तो आज मार्केट जैसे ही ओपन हुआ तो हमारे सपोर्ट लेवल से यहाँ पर एक डाउन साइड पर अच्छा खासा सपोर्ट लिया यहाँ से मार्केट में एक बाइंग आते हुए देखी है मार्केट सेवन हंड्रेड एंड एटी के आसपास गया और वहाँ से हमने शार्प सेलिंग आता हुआ देखा हमारा जो सपोर्ट था उसका भी ब्रेकडाउन हुआ बट इमीजिएटली इन द नेक्स्ट फिफ्टीन मिनट कैंडल इट सेल्फ वो रिकवर भी हो गया ऑलमोस्ट यहाँ पे और ये ब्रेकडाउन का फेल्यूर सिनारी फेल्योर होते हुए हमने देखा था बट uh, अपसाइड में भी ज़्यादा टाइम कुछ सस्टेन नहीं कर रहा था सपोर्ट के आस पास ही सो होल डे इन एंड अराउंड हम कह सकते कि साइडवेज सा डे था बट इसमें स्विंग जो थे काफ़ी वाइल्ड स्विंग रहे सो so, uh, कल के लिए हम थोड़ा सा भी अगर इसे पैटर्न ढूंढना होगा इसमें तो एक सिंपल सा रहेगा कि यहाँ पर एक हमें डबल टॉप होता हुआ दिख रहा है सो so, ये जो ग्रीन कैंडल है ये ग्रीन कैंडल फ्राइडे की क्लोजिंग का कैंडल है और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो आज एक दोपहर के टाइम पे दैट इज़ समवेयर एट सॉरी मॉर्निंग के टाइम पे टेन थर्टी के आसपास पास एक यहाँ पर टच uh, पॉइंट है फिफ्टीन मिनट्स में एंड सेकेंड एट टू ओ क्लाक अगेन हमें वहाँ पर सेम रेंज पे कि यहाँ पर uh, uh, ये रजिस्टेंस uh, लेते हुए मार्केट दिखाएं यहाँ से हो सकता है मार्केट ऑलरेडी नेकलाइन से तो नीचे है बट क्योंकि मार्केट का जो पुराना ट्रेंड था वो थोड़ा सा अपसाइड था हल्का सा नीचे आते थे वापस डबल टॉप बनाया तो इसमें डाउनफॉल ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं करके चल सकते हैं मार्केट अगर ऊपर आ रहा है एंड देन सडनली वी सी अ डबल टॉप तो यहाँ से शार्प रिवर्सल क्योंकि रिवर्सल पैटर्न होता है बट यहाँ पर क्योंकि अभी एक रेजिस्टेंस लेवल है तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये रेजिस्टेंस लेवल मार्केट में काफ़ी स्ट्रांगली एक्ट करता जाएगा हो सकता है ये रेजिस्टेंस लेवल को हम अगर थोड़ा सा और भी नीचे खींचे तो हमें ये थोड़ा सा प्रिसाइज्ड रेजिस्टेंस लेवल मार्केट के लिए मिल जाएगा डाउन साइड में हम अगर देख रहे तो हमने कि यहाँ पर एक पुराना मार्केट और सपोर्ट है जहाँ से मार्केट एक बार ब्रेकआउट दे मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया था सो यहाँ पे डेफिनेटली एक सपोर्ट एरिया रहेगा बट विच इज़ वेरी क्लोज टू टूडेज़ क्लोजिंग समवेयर एट सिक्स फिफ्टी के आसपास का सपोर्ट जोन रहेगा अगर मार्केट सिक्स फिफ्टी के नीचे निकल जाता है तो हमें सीधे मार्केट जो आने वाले टाइम में है वो 560 या फिर 570 के आसपास मार्केट आता हुआ दिख सकता है सो so यहाँ पर एक ये हमारा वापस से एक सपोर्ट एरिया रहेगा अपसाइड में अगर मार्केट कहीं पर भी एक गैप डा गैपअप ओपन होता है तो हो सकता है जो लास्ट मोमेंट में जो सेलिंग आई है वो सेलिंग थोड़ा सा नीचे की तरफ कंटिन्यू करे और वापस यहाँ से रिकवर हो जाए कहीं सिक्स के आसपास से बट अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर थोड़ा सा भी गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट में वापस एक यहाँ पर पैनिक नीचे की तरफ बनता हुआ दिख सकता है आ, उसके बाद जो एक नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर रहेगा जो कि साइकोलॉजिकल लेवल भी निकल के आता है दैट इज फाइव का लेवल सो नाइनटीन इज़ द हंड्रेड नेक्स्ट सपोर्ट फॉर द मार्केट मार्केट एक्चुअली जब तक इसमें रिवर्सल के लिए जब तक सेवन हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव नाइनटीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड सेवेंटी फाइव के ऊपर चला नहीं जाता तब तक हमें थोड़ा सा मार्केट में फिलहाल एक बियरिस सिनारियो की तरह ही देखना चाहिए या फिर थोड़ा सा साइडवेज मोमेंट हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं बिफोर वी गो अप आ, वी, बिफोर वी आ, गो बैक टू द बुल रन आज का अगर ओ का भी थोड़ा सा देखना है तो ओ में आप देख पाओगे यहाँ पे कि कहीं ना कहीं मार्केट में नाइनटीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड के आसपास जो दिन भर पुट uh, राइटिंग हो रही थी वहाँ पर उसी जगह पर कॉल राइटिंग बाय एंड ऑफ द सेशन थोड़ी सी हावी हो गई थोड़ी सी डोमिनेटिंग हो गई है परफेक्ट uh, नंबर्स हमारे पास सेवन थर्टी के बाद आएंगे बट जो थोड़े से नंबर्स uh, हमारे पास फिलहाल है उसके हिसाब से तो लग रहा है कि नाइनटीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड ऑल्सो यहाँ पर किसी भी डरेक्शन में अगर गैप ओपन होता है तो एक डिरेक्शन का जो सेलर है वो यहाँ पर पैनिक कर जाएगा जिसकी वजह से उसी डिरेक्शन में रैली थोड़ी सी आ उसके हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर वहां से थोड़ा सा गैप क्लोजिंग के हिसाब से भी हम प्लान करके वहां से अगेन गोइंग बैक टू तो द सेम डिरेक्शन में हम प्लान कर सकते हैं ठीक है अपसाइड में यहाँ पर नाइनटीन थाउजेंड एट हंड्रेड बहुत मेजर रेजिस्टेंस लग रहा है सो अभी यहां पर जो हमने नाइनटीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एटी का लेवल किया था सो यहाँ पे हम फुल क्वांटिटी में भी बाय नहीं करेंगे थोड़ा सा एट हंड्रेड को ब्रीच होने दीजिए एट हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाता है तो ये जो ओवाई यहाँ पर स्क्वेयर ऑफ हो जाएगा ये ओवाई जैसे स्क्वेयर ऑफ होता है ओआई अपसाइड देख सकते हैं मार्केट में एक अपसाइड में काफी अच्छा खासा यहाँ पर एक गैप है ये गैप क्लोजिंग के लिए मार्केट ऊपर जा सकता है बैंक निफ्टी के लिए देखना होगा तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ किया था रेजिस्टेंस में काफी अच्छे से काम किया डाउन साइड में हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल भी था इमेज सपोर्ट वो भी आज काम करता हुआ दिखा है हालांकि अगर यही सपोर्ट ब्रीच होता है तो हमें मार्केट थोड़ी टाइम के लिए नीचे आता हुआ दिख सकता है कमिंग बैक अगेन फोर्टी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड थर्टी का एक मेजर सपोर्ट रहेगा अगर वो ब्रीच हो जाता है तो फिर मार्केट में पैनिक आ सकता है टेकिंग बैक सॉरी टेकिंग द मार्केट डाउन अप टू फोर्टी फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड लेवल्स एज वेल सो बैंक निफ्टी में अपसाइड तभी तक नहीं आएगा जब तक ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर एक ब्रेकआउट देखने के लिए नहीं मिलता है हमें ब्रेकआउट काइंडली काइंड ऑफ ऐसा होगा कि थोड़ा सा यहाँ जाके एक रेजिस्टेंस लेके एक ऊपर जाएगा वापिस एक सपोर्ट के लिए सेम ट्रेन लाइन पर आएगा और एक ब्रेकआउट देगा एंड दैट ब्रेकआउट वुड मेक मोर सेंस दैन गिविंग अ डिरेक्ट ब्रेकआउट एंड गोइंग अप फ्रॉम हियर सो दिस इज द बेसिक सीनारियो इन बैंक निफ्टी एज वेल इसी के साथ आज का एनालिसिस खत्म करते हैं सी यू ऑल गाइज टुमोरो अगेन विद दिसिस फॉर वेनसडे एंड टैन हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग सेशन टूमो